हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से इंटर परीक्षा जो 2020 में होने वाली है उसमें फ्रेंड्स मैं बायोलॉजी का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, मॉडल पेपर है 2020 का। इस बार मैंने क्या किया है, इंटर पार करने की पूरी चेष्टा करने की कोशिश की है। आज से मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स, ये पहला वीडियो है जो मेरा बायोलॉजी के ऊपर है। इसके बाद आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बारी बारी से सभी के सभी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं, बिहार से हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि जो भी वीडियो आए हमारा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट होता हूँ, वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और वीडियो को बस एक लाइक की आवश्यकता मांग कहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए और अपने भाई बहनों को ये क्वेश्चन शेयर कीजिए जो कि बायोलॉजी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है 35 VVI। इसके बाद अगर बच्चों को और भी ऑब्जेक्टिव चाहिए बायोलॉजी के तो मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा बायोलॉजी के ऊपर। तो अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सभी के सभी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से अंत तक ज़रूर देख लीजिए एक बार। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2020 का बायोलॉजी का मॉडल पेपर 2020 का ऑफ 35 ऑब्जेक्टिव VVI मुकुलन द्वारा जनन निम्नांकित किस में होता है। तो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। किस में होता है भाई? ईस्ट और हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाशपाती का वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, वैज्ञानिक अर्थात साइंटिफिक नेम बोलते हैं इसको। तो नाशपाती को वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है। जैसे आपको अगर टाइगर का होगा तो पैंथरा टेग्रिस होगा, उसको ऐसे बोलते हैं। और अगर जो है ना आम को बोले तो मैग्निफेरा इंडिका। ऐसे सभी जो है ना, सभी जो नाशपाती फलों जितने भी फल हैं सभी के साइंटिफिक नाम याद कर लीजिए। और जो हिबिस्कस फ्लावर है, आपको अगर पता होगा तो अच्छे से बात है, अड़हुल का फूल हम बोलते हैं उसको, उसका भी आपको मैं बता दूँ, उसका भी हिबिस्कस का भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि उसका वनस्पति का नाम क्या है, तो उसका भी आपका वैज्ञानिक नाम पूछेगा, तो उसको भी आप रट लीजिए। ठीक है, नाशपाती का होगा वैज्ञानिक नाम पायरस कम्युनिस। क्या हो जाएगा? पायरस कम्युनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है। तो आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है, ये आपका त्रिगुणित भ्रूण पोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल कंद का निम्नांकित में कौन सा उदाहरण है। तो शल कंद का निम्नांकित में प्याज जो है एक प्रकार का उदाहरण पाया गया है। प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है। तो प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन अदरक और हल्दी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन ग्रंथियों निम्नांकित किस ग्रंथि का रूपांतरण है। तो श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। देखिए फ्रेंड्स, में जो ये पहला वीडियो है आपको बायोलॉजी का जो 35 VVI के ऊपर है, इसके बाद आपको फिजिक्स का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा। ठीक है, और सभी जो जितने भी टॉपिक आपसे रिलेटेड हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम हो रही है, सबके VVI चाहिए, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट का आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई मिलेगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की पूरी चेष्टा करूंगा। और वीडियो ऐसा होगा कि जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको क्लियर कर देगा इंटर, इसलिए मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी जस्ट मेरे साथ सहयोग कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन पार्थेनोकार्पिक फल होता है। तो निम्नांकित में कौन पार्थेनोकार्पिक फल हो जाएगा, ये केला आपका पार्थेनोकार्पिक फल हो जाएगा। पराग पिंड निम्नांकित में किसमें पाया जाता है। तो पराग पिंड जो है निम्नांकित में से मदार में पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित किसमें पाया जाता है। तो हीमोकोरियल अपरा जो है शशक में निम्नांकित रूप से पाया जाता है। भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नांकित कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है। देखिए एक बार पढ़िए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को,
भ्रूण में आनुवांशिक विकार के अध्ययन के लिए निम्नांकित कौन सा परीक्षण इस्तेमाल होता है? तो एमनीवोसेंटेसिस ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। उत्परिवर्तन निम्नांकित किसके द्वारा प्रेरित कराया जा सकता है? तो गामा विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन जो है ना निम्नांकित किसके द्वारा प्रेरित किया कराया जा सकता है? तो गामा विकिरण द्वारा, ठीक है। अमर बेल क्या है? अमर बेल एक प्रकार का पूर्ण तथा परिजीवी जो है ना बेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय हाइड्रोफाइट्स पौधे का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में चारों ऑप्शन दे रखे थे जिसमें से लास्ट में दे रखा था कि इनमें से सभी, तो कमल, हाइड्रिला और ट्रापा ये सारे के सारे जो है ना जलीय हाइड्रोफाइट्स पौधे के निम्नांकित उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में समापन पुट कौन सा है? तो UAA, ठीक है, यूरासिल एडेनाइन एंड और एडेनाइन एडेनाइन, ठीक है ना, ये समापन पुट है। तो DNA द्विकुंडली की विशेषता निम्नांकित में क्या है? पूरक तथा प्रति समानांतर। मानवों में रुधिर वर्ग ABO के लिए कितने जीव जिम्मेवार हैं? तो ABO जो वर्ग है, जो ग्रुप है, उसके लिए 3 जीव जिम्मेवार हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी ही कहते हैं उसको, जीवाश्म के अध्ययन को। मनुष्य का अगर अच्छा से बात करें, मनुष्यों को जो है ना इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको भी आप पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि जो पहले के जो होमो सेपियंस रहते थे उसको देखिए, मनुष्य को हिंदी में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये आपका होमो सेपियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में बताएं। तो निकटी, टेटिंग, झिल्ली और कॉकिक्स ये आपके अवशोषी अंग निम्नांकित में से हैं मनुष्य के, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाया जाने वाला पक्षी था? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ना ट्रियासिक काल में पाया जाने वाला पक्षी था। राइबोन्यूक्लियोटाइड को निम्नांकित में कौन परिभाषित करता है? राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये जो है ना राइबोन्यूक्लियोटाइड को निम्नांकित करने वाले जो परिभाषित रूप कहलाते हैं, ठीक है। किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण जो है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो राइबोसोम के मदद से स्थानांतरण जो होता है ना, कोशिकाओं की जो स्थानांतरण प्रक्रिया है, ट्रांसलेशन प्रक्रिया, वो संपन्न होती है। टाइफॉइड बीमारी का निम्नांकित में से कौन सा रोग जनक है? तो सैल्मोनेला टाइफी, याद रखें फ्रेंड्स इसको, अगर हम लोग बात करें कि टाइफॉइड को हम लोग वैज्ञानिक रूप भी क्या कह सकते हैं, जो टाइफॉइड होता है वैज्ञानिक रूप नहीं, मतलब इसको किस रोग के जनक है, रोग का जो ज्यादा से ज्यादा सैल्मोनेला टाइफी ही यूज होता है टाइफॉइड में, ठीक है। ह्यूमोरल असंक्राम्यता किससे संबंधित है? तो बी कोशिकाएं से, कि कोशिकाओं से संबंधित है ह्यूमोरल असंक्राम्यता। गिरवन किसके लिए विख्यात है? तो चीता जो होता है, चीता उनके लिए विख्यात है, पैंथर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ, फफूंद, गोबर, बीटल तथा मृदा, माइट्स आदि में क्या समानता है? तो डेट्रिटी वोरस, ये सारे के सारे समानता क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे डेट्रिटी वोर कहलाते हैं। प्राकृतिक जीन क्लोनिंग संवाहक का उदाहरण है टाइप प्लाज्मिड। देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक जो जीन क्लोनिंग की जो संवाहक का जो उदाहरण होता है वो टाइप प्लाज्मिड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जंतु विलुप्त हो गया है? तो डोडो पक्षी जो है ना आपका विलुप्त हो चुका है। मरुदिभद पौधा निम्नांकित में से कौन सा है? तो नागफनी अर्थात कैक्टस को ही नागफनी कहा जाता है, ये मरुदिभद पौधा कहलाता है। एक परितंत्र में आहार श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है भाई, एक ग्रेजिंग और एक डेट्रिटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन से हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हो जाएंगे NO2 और SO2। सरबती सोनोरा तथा कल्याण सोना किसकी प्रोन्नता किस्में है? ठीक है, प्रोन्नत जो है ना किस्में है, तो गेहूं में इनकी प्रोन्नत है। कायिक भ्रूणोद्भव निम्नांकित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कायिक जो है ना भ्रूणोद्भव निम्नांकित में से उत्तक संवर्धन द्वारा किया जा सकता है। दूध किस जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है? तो लैक्टोबैसिलस से जो दूध है
वो दही में रूपांतरित होता है, एक जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RNAi तरीके से किसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो निमेटोड्स को, ठीक है। BDNA में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं हम लोग, 10 to the power 9 या 10, आई थिंक ऐसा ही कुछ लिखते हैं। तो इसको देख लीजिए एक बार, BDNA में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइए, अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए आपको तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करिए, ताकि आपको सभी को पता चल सके कि जो जो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो वीडियो स्टार्ट हुई है, वीडियो जो बन रही है, वो आपको कैसे लग रहे हैं। और आपको ये PDF इसके PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ मिल जाएगी, बस एक क्लिक से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 MB की होगी, बस 1 MB की होगी, या 1 से 1.5 MB की होगी बस, ये आपको सारे के सारे 35 ऑब्जेक्टिव VBI मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।